मस्ती और शरारतें कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली बबली तो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर का कुछ पता नहीं चल सका? मैम वो बहुत शातिर था, मैंने पिछले पूरे 6 महीने की फुटेज देखी, उसमें से सिर्फ एक दिन डिलीटेड। कौन सा दिन? बुध का दिन था। वही दिन था जिस दिन शायद उस चोर ने चोरी की है। उसने बड़ी चलाकी से उस दिन चोरी की और उसके बाद उसी दिन की फुटेज डिलीट कर दी। और अब हानिया बिनते अशफाक का क्या किया जाए? मैम उसका क्या, वो तो बिल्कुल बेकसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं मैम। और जो इतना हिट ड्रामा मुखालिफ चैन के पास चला गया वो? मैंने कुछ पूछा है दिलबर साहब? मैडम आपके होते हुए हमें किस चीज की कमी हो सकती? आप चाहें तो 10-10 हिट ड्रामे बनवा सकती हैं। और मैम हमें तो आप पे भरोसा ही बहुत है। आप जैसे चैनल की मालिक हो तो चैनल कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। आप चले, मैं सोच के बताती हूं। मैम अब अगर आप सोचने ही लगी हैं तो एक पॉइंट पर जरूर सोचिएगा। आप जैसी लीडरशिप क्वालिटीज वाली बॉस तो हम जैसे एम्प्लॉयज का सहारा होती हैं। इसी पॉइंट पर मैं चलता हूं। हानिया परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ ना, कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी वो गए ना सर बात करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। यार सर बताएं ना, मैडम ने क्या कहा हानिया की जॉब के बारे में? सोच रही हैं अभी, मैडम सोच रही हैं। लेकिन मैंने आते आते उन पर मक्खन की पूरी बाल्टी उंडेल दी। अब देखते हैं फिसलती हैं कि नहीं। सर कैसे नहीं फिसलेंगी, इस काम में तो आप माहिर हैं। मैंने सोचा है कि हानिया बिनते अशफाक अकेली कसूरवार नहीं है, यानी हम सब फारिग, आप सबको निकाल रही हैं? नहीं, मैं किसी को भी नहीं निकाल रही। आप लोगों को मेरे अलावा किसी और की सुपरविजन की जरूरत है। That is why I have decided. My son Hamza Ahmed will be joining Bubbly TV to lead all of you. ये हमजा अहमद कौन है? तो है बेटा है उनका। सर अब ये कल के लड़के हमें लीड करेंगे? हाँ नहीं तो दे सर, क्या पता अच्छा हो। हमजा अहमद, देखते क्या चीज है। नौकरी तो बच गई मेरी। अब दोबारा नए नए ड्रामे लिखूंगी। बैक टू योर सीट, जाओ जगह पे जाओ, चलो चलो साथ में जगह पे जाओ, जाओ काम करो काम करो।
बदतमीजी क्या मतलब? मियां बीवी के दरमियान इसे रोमांस कहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप तो बिल्कुल ठीक है मेरी, किस्मत खराब है मेरी। किस्मत नहीं, नीयत खराब है तुम्हारी। नीयत? अरे हम मियां बीवी हैं यार, थोड़ा सा रोमांस तो होना चाहिए ना। मुझे ना तुम्हारी घटिया हरकतों से चिढ़ है और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये मोहब्बत की चूंचों से। तुम्हारी इस चिढ़ की वजह से इस पूरे घर में आज तक बच्चों की चूंचू नहीं हो पाई। ओ हाँ, चूंचू से याद आया कि क्या याद आया? अंडे लाए हो तुम? हाँ लेके आया हूँ, फ्रिज में रख दिए मैंने। दिलबर, अंडे फ्रिज में रखने के लिए नहीं होते, चूल्हे पर चढ़ाने के लिए होते। नाश्ता बना, मुझे भूख लगी हुई है। देखो डार्लिंग, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। दिलबर, ये तुम्हारे रोज रोज के बहाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, तुम पहले ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद मेरे नाश्ता बना देना। देखो मेरी बर्दाश्त खत्म होती जाए, कहीं ये ना हो कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए और किसी एक दिन मैं क्या करोगे तुम? किसी एक दिन जहेज में मिला हुआ ये घर, बाहर खड़ी हुई गाड़ी, 50 तोले सोना और तुम्हारे मुआवजे से लेकर तुम्हारी टाई तक सब कुछ वापस कर दोगे? ऐसा ऐसा तो नहीं कहा मैंने। फिर मैं बस ये कह रहा था कि जहेज एक लानत है और ये साला एक जहेज इसने इंसान को हिजड़े बना दिया। मेरा मतलब ऐसा ही था कुछ। Whatever, अब 10 मिनट में मेरे लिए नाश्ता बना दो। क्या 10 मिनट? हेलो, तो इसके बाप ने जहेज भी दे दिया और ये तोहफा भी, क्या बनेगा दिलबर तेरा? नाम क्या तुम्हारा? नाम दिलबर सेठी। दिल तुम्हारा शौहर? काम क्या है? काम बेगम, एक शौहर को अपनी बीवी से और क्या काम हो सकता है? हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ, अगले हफ्ते फोन करूंगी। फोन मतलब अब हम फोन पे बात करेंगे, मैं अपॉइंटमेंट लूंगा तुमसे बात करने के लिए। हाँ क्या हो गया तुम्हें, क्या बोल रहे हो? क्या मतलब, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, क्या मसला है? ये अगले हफ्ते तुम किसको फोन करने का बोल रही थी? हाँ किससे बात कर रही हो तुम? मेरी गैरत जोश मार रही है, मुझे पता होना चाहिए। अपनी गैरत को ना कंट्रोल में रखो। कामवाली का फोन था, मैं सोच रही हूँ एक कामवाली रख लूँ, क्योंकि घर के और किचन के सारे काम करके कि मैं थक गई। क्या क्या? थैंक यू, मैं जाऊँ ऑफिस। हाँ जाओ, बाद में मुझे कहोगे कि तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस से लेट हो गया। चाय पी लेना। काम चोर, इसके लिए काम वाली रखनी पड़ेगी मुझे। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? क्या क्या यार, ये क्या प्रॉब्लम है यार? मैं जब मार्केट गया था तब क्यों नहीं बताया पूरी लिस्ट? ये 200 चीजें तो ला के दी तुम्हें यार। तुम औरतों का यही प्रॉब्लम है यार, शोहर गधे की तरह बाहर मार्केट से 200 चीजें इकट्ठी करके लेके आके देता है और उसके बाद कहते हो कि एक सुनिए जी दही रह गई है, वो कच्चा डायपर रह गया। हद है यार। हेलो हेलो आज मैडम ने अपनी जानशीन क्राउन प्रिंस का पूरे ऑफिस से इंट्रोडक्शन करवाना है, मुझे सबसे पहले मैडम की जानशीन की आंखों के सामने होना चाहिए।
नाम क्या था उसका? हाँ, हमजा अहमद। मस्ती और शरारतें कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। मैं तहजीब भुला दूंगा। जाने ये क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? सर जी अपने ड्रामे का ओएसटी है सर, नया ड्रामा। ये कोई टाइम है गाने गाने का? सर हाँ टाइम तो है सर, गाना तो गा सकते हैं। क्या मतलब क्या टाइम हुआ है? सर 12 बजे। घड़ी खराब है आपकी, समझे आप? नहीं सर बिल्कुल सही सर, अभी अभी मैडम की घड़ी से मिलवा के आ रहा हूँ। मैडम अभी? सर आपने सर गाड़ी नहीं देखी पार्किंग में? नहीं, मैं बहुत सुबह आ गया था इसलिए शायद उनकी गाड़ी नहीं देख पाया। अच्छा, लेकिन मैडम है। हाँ ठीक है मैडम है। जॉनी एक काम करो, मेरे रूम में जाओ, टेबल पे मेरा लैपटॉप पड़ा होगा, उसे ऑन कर देना। ठीक है, खामोशी से। ओके गुड। सर आप रूम में नहीं जा रहे अपने? नहीं, मैं मैडम से मिल गया। श्योर सर। आपने क्या मिलना है मैडम से? सिर्फ हाजिरी लगवानी है। कसम से दिलबर सर के अंदर ना एक मिलीग्राम भी ना खुददारी नहीं है। इनका बस चले ना तो मैडम को जमीन पे पैर तक ना रखने दें, कि मैडम मेरी हथेलियां हाजिर है। चापलूस इंसान। तुम्हें याद है ना मैंने हमजा साहब के कमरे के बारे में क्या क्या बताया था? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ वो ड्राइवर निकल चुका है उनको पिक करने के लिए, पहुंचता होगा थोड़ी देर में। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना सेंसिटिव अपने कमरे के बारे में, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं कमिंग मैम। जी जी आइए आइए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू मैम। आज आप जल्दी ही आ गई? हाँ मुझे कुछ जरूरी काम था, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि आप लेट आए। लेट? मैं? क्या बात कर रही हैं मैम, इम्पॉसिबल। मुझे तो आए हुए काफी देर हो गई है, शायद 2-3 घंटे। लेकिन आप अपने रूम में नहीं थे। वो मैं वहां था ना, स्टूडियो में अपनी सुपरविजन में काम करवा रहा था। मैम आपको तो पता दिलबर जब तक सुपरवाइज ना करे कोई काम, इस चैनल में कोई काम ढंग से होता ही नहीं। ये चैनल तो मेरा घर है, मेरी जन्नत है। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका यही कॉन्फिडेंस जो है ना मुझ पे, वो मुझे हमेशा 100% परफॉर्म करने पर मोटिवेट करता। अच्छा आधे घंटे में हमजा की फ्लाइट लैंड कर रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट पहुंचना है, हमजा साहब आ रहे हैं। ये ना हो कि हमजा साहब वहां आकर वेट करते रहे। आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैडम ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, हमजा साहब को कराची का इतना नहीं पता। लेकिन ड्राइवर को तो पता है ना, वो गया उसको लेने के लिए। ड्राइवर? आपने हमजा साहब को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया? नहीं, मुझे बताती ही मैं चला जाता। इट्स ओके दिलबर साहब, पहले वो घर जाएंगे फिर ऑफिस आएंगे। तो मैं भी आपके घर चला जाता, मुझे तो वैसे ही आपके घर की चाय बहुत पसंद है, और आपके घर का जो इंटीरियर है ना, मुझे देख के ऐसे लगता है कि एक अजीब सी एक पॉजिटिव सी वाइब आ गई है, दिन अच्छा गुजरेगा ऐसे लगता है कि। आप स्टूडियो में कुछ काम करा रहे थे ना? मैं स्टूडियो में? ओह यस, मैं स्टूडियो में काम करवा रहा था। मैं अभी जाके देखता हूँ स्टूडियो में काम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, और जब हमसा साहब यहाँ आ जाए तो मुझे सारी एचओडीज की मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए। आई विल इंट्रोड्यूस हिम एज द नेक्स्ट बॉस। श्योर, आई विल मेक श्योर। Bubbly, bubbly.
जॉनी चाय तो पिला दे यार। हाय, बहुत प्यारी लग रही है। फिर मैंने आपको कितनी बार समझाया ना, पब्लिक के सामने बॉस की तरह रहा करें और बॉस की तरह बिहेव किया करें। मैं किसी किस्म की बदनामी अफोर्ड नहीं कर सकती। My love is done, fear none. क्या? मेरा मतलब है कि प्यार किया तो डरना क्या? देखो, मैंने अंग्रेजी में इसलिए बोला था कि अगर कोई सुन रहा हो जॉनी वॉनी तो बाद में ट्रांसलेशन करानी पड़े। करने वाले कर लेते हैं। क्या? ट्रांसलेशन। मैं अपने किरदार पर कोई चांस ले सकती। हम कब तक ऐसे चुप-चुप के मिलते रहेंगे? आपको मेरा जवाब मालूम है। और तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो यार। मेरा अपनी बीवी से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है। मैं किसी की सौकन बनकर नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन उसे तलाक जरूर दिलवा सकते। क्या कहा? तुम नहीं जानती मेरी सिचुएशन। मेरी बीवी ने मेरी हैसियत सिर्फ दही लाने तक महदूद कर दी है। मैं तो तुम्हारी जवाब दही करना चाहता हूँ। फिलहाल तो आप मेरे दिमाग की दही कर रहे हैं। आपकी बीवी इतने दही का क्या करती है मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानना है। मैंने कहा ना, मैं अपने कैरेक्टर पर कोई चांस नहीं ले सकती। फिलहाल ऑफिस आ गए हैं, कुछ काम कर लिया जाए। ओके, काम की बात कर लेते। मैडम का बेटा आ रहा है हमजा, ठीक है, और मीटिंग में कोई और तो हमारी तारीफ करेगा नहीं। जाहिर बात है ना। सही है। तो तुम मेरी तारीफों के पुल बांधना और मैं तुम्हारी तारीफों के गीत गाऊंगा। समझ गए? समझ गए। एक तो तुम समझ फौरन जाती हो। उस तरफ। किस तरफ? आपका कमरा उस। हाँ, मैं जाता हूँ। जब सौकनों की इतनी रेड़ लगाने के बाद, इतना बुरा भला दिखाने के बाद, मैं दूसरी बीवी नहीं बन सकती। इतनी विलन होती है। जॉनी, मुझे कॉफी तो पिला दो। तुम यहाँ कॉफी पीने आ गए हो? वहां कॉन्फ्रेंस रूम में सब इंतजार कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। चलो। क्यों? हमजा आ गया। हमजा, हमजा, बड़ी फ्रैंकनेस है, बॉस है वो हमारा। तुझे पता है, हमजा अमेरिका से आया है और हम जैसे लोगों का अमेरिका में बड़ा स्कोप है। हम जैसों का नहीं, तुम जैसों का। और अमेरिका, हमजा का अराइवल, कहीं तुम हमजा बॉस पे डोरे डालने का तो नहीं सोच रहे हो?